नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ओल्ड पेंशन स्कीम एक बार फिर से चर्चा में। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको भी पता होगा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि हम फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और इसके पहले चार स्टेट, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब ने इसका अनाउंसमेंट पहले से ही कर दिया है। और कमी जो अभी इलेक्शन हुआ है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम विनिंग फैक्टर साबित हुआ है। और इसी सब को लेके लोकसभा में क्वेश्चन नंबर 854 12 दिसंबर को पूछा गया। श्री ओबैसी ने इस क्वेश्चन को पूछा कि विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट वेदर मेनी स्टेट हैव रिस्टार्टेड ओल्ड पेंशन स्कीम टू देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ वेदर मेनी स्टेट्स हैव रेस्ड डिमांड टू द गवर्नमेंट टू रिटर्न नेशनल पेंशन स्कीम मनी टू स्टार्ट ओल्ड पेंशन स्कीम सी इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट देयर टू डी द डिसीजन टेकन और बींग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिटर्न एनपीएस मनी टू दोज स्टेट्स हु हैव स्टार्टेड ओपीएस वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू रिटर्न ओपीएस इन नियर फ्यूचर एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। ये क्वेश्चन लोकसभा में ओबैसी साहब ने पूछा और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डॉक्टर भागवत कराड़ ने क्या रिप्लाई दिया। ए टू एफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड हैव इन्फॉर्म्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA अबाउट देयर डिसीजन टू रिस्टार्ट ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर देयर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब on 18th November 22 has issued notification regarding implementation of the OPS to the government employee who are presently being covered under the National Pension System NPS. The state government of Rajasthan, Chhattisgarh and Jharkhand have sent proposal to the central government PFRDA to return the accumulated corpus of subscriber under NPS to respective state government. No such proposal has been received from the state government of the Punjab. In response to the proposal of the state government of Rajasthan, Chhattisgarh and Jharkhand, PFRDA has informed the respective state government that there is no provision under Pension Fund Regulatory and the Development Authority Act 2013 read along with the PFRDA exit and withdrawals under the NPS Regulation 2015 and other relevant regulations as amended from time to time, by which the funds which are already deposited both in form of government contribution and employees' contribution toward NPS along with the accruals can be refunded and deposited back to the state government. There is no proposal under consideration of Government of India for restoration of old pension scheme. गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि देयर इज नो एनी प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम। और जिन स्टेट ने लागू कर दिया है वो अपने कॉर्पस का डिमांड कर रहे हैं रिफंड करने के लिए। और इस बारे में वित्त मंत्री ने भी पहले बता दिया है कि इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि जो कॉर्पस, चाहे वो कॉन्ट्रीब्यूशन का हो चाहे इम्प्लाइज कॉन्ट्रीब्यूशन का हो, उसको रिटर्न करना है। आगे क्या होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट इसको लागू कर रही है उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी या कोर्ट से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में सब जरूरी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एम्प्लाइज के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि कुछ न्यूज़ के अनुसार जो RSS है वो भी गवर्नमेंट पे इस बारे में दबाव बना रही है,
लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये ऑथेंटिकेट नहीं है। हाँ, लेकिन ये शुभगाहट हर जगह हो गई है कि अगर आपको इलेक्शन जीतना है, विनिंग फैक्टर के रूप में ओपीएस एक टूल्स हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, नमस्कार।